जी, आपका वैशाली ब्लॉग में स्वागत है। और आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, शाम का क्लिप है। स्कूल से बच्चों को ले आने के बाद बच्चे सो गए थे और मैं भी सो गई थी। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि दो दिन मेरी तबीयत बहुत खराब रही, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। दोनों बच्चे उठ गए हैं, सो गए थे। सुबह मैंने बनाई थी अरवी बबरू को, और उसके बाद अब मैं बनाने मतलब सोच रही हूँ बनाने के लिए, देखती हूँ खिचड़ी बनाती हूँ या फिर दलिया बनाऊंगी, उसकी तैयारी करनी है मुझे। घड़ी में 7:30 हो गए हैं और शाम का पूजा पाठ भी करना है मुझे। अब मैंने मुँह हाथ धो लिया है और अब मैं पूजा पाठ करूँगी। एक तो दही दे दो, नहीं आधा किलो, और वो वाली देना कि जिसमें खट्टी ना हो। तीन आइसक्रीम, कौन सी वाली? 10 वाली चोको। सुबह कितने का लिए थे? सुबह 270 का था शायद। देखिए 270 का ही था क्या? पापा ने भी देखो गाइस, दही और आइसक्रीम लेके आई हूँ क्योंकि अभी डिसाइड किया है मैंने कि दलिया बनाऊंगी। अरे सासू, गेट भी बंद किया, देखो उन्होंने सास छूने लगता है, बोला भी नहीं जाया है। और ये देखो अपने मतलब की चीज ले ली है और दही ये रख दिया नीचे। भैया कटोरे में कर देंगे बाबू। गाइस बने रहिए आप, A few moments later। ये देखो मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर अभी काटूंगी, और ये मैंने दलिये को भिगो दिया है मसाले, और मैंने रख दिया है कुकर, सूख गए पानी, और हम गैस ऑन करते हैं। हाँ तो करते हैं शुरू और दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। लव मान जाओ ना बाबू, नहीं ठंडी नहीं, पता मेरा गला कितना खराब है। मैंने इसमें डाल दिया है देखो घी, और अब डालती हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा और साथ में हींग। इसमें डालते हैं मैंने प्याज और इसको अच्छे से इतने टमाटर को मैं घिस लेती हूँ। और ये देखो मैंने दलिया को दिया चोक, वीडियो ही बनाने भूल गई थी गाइस मैं तो। अब देखो मैंने इसको ये कर दिया है और इसमें लगा लेती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखो मेरा घर का आज कुछ भी काम नहीं हुआ है, और मैं बाबू आवाज कम करो, चलो पहले पौने 10 हो गए हैं, और मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। आज बच्चों की है पीटीएम,
उससे पहले मैं डॉक्टर के जाऊंगी और डॉक्टर के बाद सीधा स्कूल में निकल जाऊंगी। तो एक गला भी मेरा अच्छे से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा ख़राब है। तो डॉक्टर को एक बार दिखा दूंगी और वो देखो हस्बैंड के साथ जाऊंगी। बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बारिश आ रही है आज बाहर। रिमोट वो रखा है वहाँ पे, उसके नीचे देखते हैं। और खुश रो रहा है कि मम्मी अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ के जाओ। और कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बेटा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो वो बोल रहा है कि हमारी शिकायत मत करके आना मैम से। मैंने कहा नहीं शिकायत नहीं करने जा रही हूँ, आज मैम आपकी शिकायत करेगी। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ और हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके। A few moments later. बच्चों के स्कूल से आने के बाद गाइस मैंने देखो घर का सारा काम कर लिया। ये तो बच्चों ने खैर अपने स्कूटर, ये देखो कैसे बैठे हैं ऊपर, ऐसे बैठोगे आज स्कूल में? बस मैडम ने ये कहा बच्चे ठीक है पढ़ाया करो और मेहनत, ये सब बातें जो टीचर बोलती है वही की है मैडम ने। आने के बाद मैंने सारा काम कर दिया है घर का और उसके बाद अब बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पी के गई थी, लेट हो गया था, 11:30 हो गए हैं घड़ी में। और पूजा पाठ मैं करके गई थी, चाय अब पी लेती हूँ बना के। उसके बाद मैंने सुबह बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो उनको लंच देना पड़ता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। A few moments later. स्कूल से आने के बाद गाइस मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे सर्दी लगने लगी थी और बहुत तेज़ फीवर हो गया था। सुबह तो मैं गले ख़राब की दवाई लेके आई थी जो मेरी चल रही है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद फिर शाम फिर डॉक्टर के गई, उन्होंने मुझे बुखार की दवाई दी, अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखो अब मैंने पंखा चलाया है वरना मैं सारी दोपहर से ये चादर ओढ़ के, जो मोटी चादर होती है टॉप शीट, वो ओढ़ के लेटी हुई थी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। अब खाने में मेरी बेटी ने चीले बना दिए थे और वो सब उन्होंने खा लिया है। मैंने मेरा तो मन नहीं है कुछ भी खाने के लिए, लेकिन अभी अभी लव कुश गए अपने पापा के साथ आइसक्रीम लेने के लिए। वे रो रहे थे कि पापा आइसक्रीम दिलाते हो, तो उनका आइसक्रीम दिलाने के लिए गए हैं। और इधर आओ इधर आओ, कौन सी लाए हो ये? मैंगो फ्लेवर लाए हो? हाँ। अच्छा और भाई भी नहीं आया? ये दिखाओ देखो गाइस का। देखो गाइस आइसक्रीम कहते खा लो आप भी। ये देखो दोनों मैंने इनकी कटोरियों में आइसक्रीम को देखो खोल दिया है दोनों को, आज उसके लिए लेके खा रहा है बंदर। ये लेके जाओ फेंक दो जाओ डस्टबिन में बाबू, और गेट बंद करके जाना। तो बस आज का सारा दिन ऐसे ही चला गया गाइस, बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अच्छी सी वीडियो मिल जाती है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टेक बाय।